आधी रात का गीत प्रस्तुत है श्री द्विजेंद्रनाथ शर्मा के असमिया नाटक दुमुहा रातिर गान का हिंदी अनुवाद। आकाशवाणी नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1987 में इस नाटक के आलेख को असमिया भाषा में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक आधी रात का गीत। पश्चात श्री कृष्ण रुक्मिणी का हाथ पकड़कर अपने रथ पर चढ़ा लेते हैं। अपनी प्रिया को सम्मुख पाकर वे आनंदित हो उठे और राजकुमारी रुक्मिणी श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति को पति के रूप में पाकर फूली नहीं समाती। झुके नयनों से बार बार अपने स्वामी को निहारती है और लजाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और उधर शिशुपाल ये क्या श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे रहते ये नहीं हो सकता। रुक्मिणी का विवाह तो मेरे साथ होना निश्चित हुआ था, कृष्ण इसे कैसे ले जा सकता है? मैं अभी उसका पीछा करके रुक्मिणी को प्राप्त करता हूं। ये कहकर हाथों में धनुष बाण उठाए अहंकारी शिशुपाल श्री कृष्ण के रथ के पीछे अपना रथ दौड़ा देता है। इस वृत्तांत को देखो सुनो और निरंतर हरि का नाम स्मरण करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। बंद करो ये नाटक। अरे सुना नहीं, बंद करो ये सब तमाशा। बंद करो ये नाटक देवेन। मगर क्यों? बाढ़ आ गई है, पानी सबको ग्रस रहा है, सड़कें भी टूट रही हैं। बाढ़? हाँ। बाढ़ आ गई? हाँ। सड़कें भी टूट रही हैं। लेकिन तुमको कैसे पता चला रतन? अरे मैं मैना जुली के मामा के घर जा रहा था तो वही मुझे सब कुछ पता चला और जल्दी में मैं गाँव लौट आया। कपाह तली की सड़क टूट गई है और गांव वालों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। अमूल्य जरा देख कर तो आओ, आदमी किस तरह शिलगुटी सड़क पर आश्रय ले रहे हैं। इसका मतलब मामला गंभीर है। हाँ। ये भी कोई पूछने की बात है, हमें कुछ करना होगा। हाँ। स्लिच गेट पर कड़ी नजर रखनी होगी, अगर उसको कुछ हो गया तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा, हम बच नहीं पाएंगे रतन। हाँ, बगी जान के स्लिच गेट पर तो पानी का प्रेशर भी बहुत होगा, अगर जल द्वार को कुछ हो गया तो हमारी ओर की सड़कें भी टूट जाएंगी, सारा गांव पानी में डूब जाएगा। देवेन। हाँ? तुम इन लोगों से कह दो कि सब लोग घर जाएं। ठीक है। और सुनो। हाँ? सबको समझा देना कि हर तरह से तैयार रहे। ठीक है। भाइयों, आज का ये नाटक यहीं समाप्त किया जा रहा है। भाइयों शांत हो रही है। भाइयों अभी अभी रतन ने आकर बताया है कि कपाहतली की सड़कें टूट जाने के कारण बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल रहा है। हो सकता है कि पानी हमारे यहाँ भी पहुँच जाए। आप लोग अब घर वापस जाइए, विलम्ब मत कीजिए। और सुनिए सुनिए, हर तरह से तैयार रहें।
बच्चे को घर में अकेला छोड़कर आए हैं, इस बार हमारा क्या होगा जी? माधव सर अपने बड़े भैया को तो बुला दो। आप लोग घबराए नहीं, हम जो हैं यहाँ पर। जरा धीरे धीरे बाहर निकलना जी। दादी देखो इधर आओ। आ रही हूँ बेटा। अरे जनाब आदमियों की भीड़ तो निकल जाओगे क्या? अरे लड़को तुम लोग देख क्या रहे हो भाई, पानी मंदिर के अंदर पहुंच गया है। अच्छा चलो यहाँ से जल्दी करो, इन दुखी लोगों के लिए जल्दी कुछ करो। मुखिया साहब कौन सा इंतजाम करें इन लोगों के लिए, वैसे सब लोगों से तैयार रहने को कह दिया है। अरे खाली तैयार रहने के लिए कह दिया है तो बूझ रहे हो बहुत कुछ कर लिया तुमने। सुनो जी, केले का एक बेड़ा तैयार करो। ठीक है। बेड़े के सहारे बच्चों और स्त्रियों को किसी ऊंची जगह पर पहुंचाओ, भंडारों से अनाज भी निकालना मत भूलना। और सुनो जी, गाय बैलों और बकरियों की रस्सियां भी काट देना, नहीं तो सब के सब मर जाएंगे। ठीक है। तुम लोगों में से दो चार जने वो कपातली चले जाओ, वहां भी जरूरत पड़ेगी। चल मुल्ले, चल कपातली के लोगों की मदद करें। हाँ हाँ जल्दी करो। देवेन तुम मुस्लिम गांव के बसीर और उसके साथियों को भी खबर कर देना और कहना कि वे भी होशियार रहे। कब क्या रूप धारण करे कोई नहीं जानता भैया। ठीक है मुखिया जी, जाता हूँ, अगर संभव हुआ तो रहमत की बड़ी नौका भी साथ ले आऊंगा। हाँ हाँ अच्छा सुन, वो कपाहतली जल्दी पहुंचो, रतन से कहना कि वो भी कुछ दोस्तों के साथ लेकर अपनी ओर की सड़कें भी देखावे। ठीक है। भूख, इसे ही कहते हैं भूख। ब्रह्मपुत्र को कभी कभी इतनी भूख लगती है कि वो भयंकर रूप धारण कर लेती है। देवेन, हाँ? वो देख कौन है वो, कैसे पेड़ की डाली को पकड़ रखा है। हाँ अरे कहीं ये मिनाई चाचा की बीवी तो नहीं? अरे हाँ, हाँ ये तो चाची लगती है। चाची डाली को अच्छी तरह से पकड़े रखना। अरे बशीर नौका की गति बढ़ा दो। अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो, ठेना जल्दी मारो। चाची चिल्लाओ मत, चाची चिल्लाओ मत, डाली को अच्छी तरह से पकड़े रखो। मेरा बच्चा पानी में डूब गया रे। आओ चाची। बशीर बशीर नौका कुछ आगे करो। हाँ आगे करो, आगे करो, जल्दी करो। चाची चाची जल्दी आओ, चाची आ जाओ, आप जल्दी से आ जाओ। पागलपन छोड़ो चाची, जल्दी से नौका पर चढ़ जाओ चाची, जल्दी करो। जल्दी करो चाची, और भी लोग पानी में बह रहे हैं। हाँ। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे मेरा संभल के, यहाँ से। अरे हाँ हाँ चलो आओ, चलो अरे दादी इधर आ जाओ, इधर हम तुम्हें लेने आए हैं। अच्छा मुझे लेने आए हो बेटे, लेकिन जरा रुक जाओ बेटे, खटिया पर चावल का घड़ा रखा है उसे ले आओ। नहीं दादी इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं, वो जो मंदिर है ना वहाँ आश्रय शिविर खुला है। अच्छा? वहाँ रसद का इंतजाम हो रहा है। तो फिर बेटे मैं अपना कांसे का थाल ले आती हूँ, मुझे बड़ा प्यारा है, मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे दिया था। बस जरा ठहरो अभी ले आती हूँ बेटे। कैसी मुसीबत है, अच्छा जाओ पर जल्दी आना दादी। बस अभी आई बेटे। अरे बुढ़िया की अकल देखो, इधर मरने जा रही है उधर अपने थाल का सपना देखती है। अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गई दादी। हाँ। लाई हो ना अपना थाल। ये ले आई हूँ बेटे। चलो 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 चलो। अब वो छत पर कौन है? धनिकाई होगा, चल जल्दी चल चल। हाँ धनिकाई, धनिकाई हौसला रखो, धनिकाई हम आ रहे हैं। धनिकाई धनिकाई, अरे ये तो बिल्कुल जड़ हो गया, सारी रात इसी हालत में काटी होगी बेचारे ने। हाँ बशीर थोड़ा सहारा दो, पकड़ो से, इसे नौका में चढ़ाते हैं। ध्यान आराम से, आराम से। अल्लाह कैसी मुसीबत आई है। लो ये मेरा कोट पकड़ो, पहना दो इसको, और ये गमछा लो,
इससे इसके हाथ पांव भी पहुंच दो। ओहो, बेचारा बिल्कुल भीग गया है पानी। बशीर यार थोड़ी हथेली और तलवे मल दो ना, ठीक हो जाएगा। ठीक है धनिकाई, 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 तुम्हारे घर के दूसरे लोग कहाँ हैं? कहीं गए तो नहीं? छत पर तो तुम अकेले थे ना? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं कहाँ हूँ धनिकाई? कहाँ? अब तुम हमारी नाव में हो धनिकाई, तुम सपना नहीं देख रहे? नाव? अब तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ चलो मंदिर तक, वहाँ आश्रय शिविर खुला है। मगर मगर तुम्हारे घर के दूसरे लोग कहाँ हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लोग पानी में नहीं बहे हैं, केतकी को लेकर उसकी माँ मामा के घर गई थी नाटक देखने, घर में नहीं था। आए, अगर तुम लोग मेरी रक्षा ना करते बेटा तो मैं अवश्य ही स्वर्ग से धार जाता। हे भगवान, आज 60 साल बीत गए, ऐसी बाढ़ मैंने अभी तक नहीं देखी। ब्रह्मपुत्र अब अपने आपे में कहाँ है धनिकाई? हाँ, तुमने ठीक कहा बेटे, ठीक कहते हो, ब्रह्मपुत्र अपने आप में नहीं है, हमारे पापों के कारण ही ये सब हुआ है, बहुत पाप हो रहा है इस पृथ्वी पर, पापियों की संख्या बढ़ रही है, ये सब लोहिते को कैसे सहन होगा? हाँ, ये सब हमारे कर्म फल है बेटे, हमारे कर्म फल, बुढ़ापे में हमें आश्रय शिविर में रहना पड़ रहा है। ये सब कुत्ते हैं, सूदखोर, खून चूसने वाले, क्या समझ रहे हो तुम लोग इन्हें? हैं देवेन, अरे भाई किसे गालियां दे रहे हो? फणी मंडल को और किसे दूंगा? रहमत भैया देखो तो सही उसका धंधा। इन सबको तो मारकर ब्रह्मपुत्र के पानी में फेंक देना चाहिए। हाँ। शीर, अरे तुम लोग इस तरह गालियां ही देते रहोगे या कुछ बताओगे भी? रहमत भैया मैं बताता हूँ, ये फणी मंडल शिविर का चावल हड़प कर गया है। क्या कहा, चावल हड़प कर गया? हाँ रहमत भैया देखो तो सही कैसे कैसे लोग हैं, आज तक उसने आदमियों का खून चूसा फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी, और अब तौबा तौबा, शिविर के चावल के लिए इतना लालच, ये तो बड़े गुनाह की बात हुई, ये तो कुफ्र है। पाप कर्मों से भला कोई बच सकता है? पकड़ा गया बदमाश। रहमत भैया मुखिया ने दंड के नाम पर शिविर में खाने का इंतजाम करने के लिए कहा है, और वो भी सिर्फ 5 दिन के लिए। उसके लिए 5 दिन क्या, वो तो 10 दिनों का सामान दे सकता है, ये भी कोई दंड हुआ? इससे अच्छा था अच्छी तरह उसकी मरम्मत करते। लोग तो मानने वाले नहीं थे, मगर करें क्या, मुखिया और मेघी ने गांव की बदनामी की बात सोचकर ये सब किया। अच्छा किया उन्होंने, मगर अब हमें एक काम करना चाहिए। वो क्या? फणी मंडल को अपनी मर्जी से सब कुछ करने दो, लेकिन हम उसकी हर चाल पर कड़ी नजर रखेंगे। अमूल्य तू जा, शिविर में रहने वालों के लिए पुआल का प्रबंध कर, जाड़े की रात है, भला लोग कैसे काटेंगे? सुन कुछ घास फूस तो इकट्ठा कर। अब कहाँ मिलेगी घास फूस देवेन, सब तो पानी में भीग गया है। अरे भाई अब हमारी तरफ चले जाओ, और सुनो मेरी बैलगाड़ी भी साथ ले आना, भूलना नहीं। अच्छा अच्छा मैं जाता हूँ। अरे रतन तू आ गया? हाँ भाई बशीर, सत्य महाजन यहाँ आया था क्या? रास्ते में मुलाकात हुई थी। आया था, सुना है कि शिविर के लोगों को वो 2 दिन का खाना देगा। क्या 2 दिन का खाना? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2-4 आदमी और इस तरह देने लगे तो जरूर ही बोझ कुछ कम हो जाएगा। तुम असली बात नहीं जानते रहमत भैया, बात कुछ और है। अच्छा
सत्य महाजन को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। जरूर कुछ स्वार्थ छिपा है इसमें। हाँ रतन, तुम कौन से स्वार्थ के बारे में कह रहे हो भाई? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम नहीं समझोगे रहमत भैया, तुम जैसे भोले आदमी सत्य महाजन की चाल को कभी नहीं जान सकते। अरे इसीलिए तो हमारे गांव की आज ये दशा है। सुना है इस बार सत्य महाजन चुनाव लड़ेंगे? ठीक सुना है। गरीबों और मजदूरों की जमीन, खेत और जानवर हड़पने वाला सत्य महाजन चुनाव लड़ेगा। अरे इस दगाबाज और लोभी ने क्या नहीं किया, लोगों के रुपए पैसे और आभूषण तक हड़प लिए। इसके लिए तो जैसे कोई कानून बना ही नहीं। अब समझ गए रहमत भैया, इसीलिए तो आज तुम लोगों की खबर लेने आया है, दिखाने के लिए मुसीबत में फंसे लोगों के आंसू पहुंच रहा है। तभी तो दो दिन के खाने का सामान देने के लिए स्वयं कहकर गया है। रहमत भैया, जो अकाल के समय किसी को मुट्ठी भर गेहूं नहीं देता, किसी की मदद नहीं करता, क्या वही सत्य महाजन आज शिविर के लोगों को दो दिनों का खाद्य दान करके अपने पापों का बोझा उतारना चाहता है? देवेन, उसके पाप पुण्यों का विचार अल्लाह पर छोड़। शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ। और सुनो, उसने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है ना, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उसे हमें अच्छी तरह गांठ में बांधे रखना होगा। हाँ हाँ रहमत भैया, तुम ठीक कह रहे हो। सुनो सब, हमें अपने आदमियों को समझाना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन अभी नहीं। पर हाँ, सूदखोर महाजन के मन की बातें समय आने पर अपने आदमियों को जरूर बता देनी होगी। उसके नेता बनने के ख्वाब को हम मिट्टी में मिला देंगे, बदमाश कहीं का। अब आम जनता की सेवा करना चाहता है। सब मलेच हो गए। हाँ, मलेच हो गए सब। सुन रहे हैं आप लोग, उठाइए, सब उठाइए। हीरा, क्या हुआ? खाना तैयार है, खाने को छोड़कर भला कोई जाता है? अरे आइए आइए, क्या सोच रहे हैं आप लोग, उठकर चले आइए। इनके हाथों में खाना खाकर हम अपनी जाति नहीं छोड़ सकते। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, ये लोग हमारी जाति और धर्म का नाश करने के लिए जाल बिछा रहे हैं। आप लोग जरा सोच कर तो देखिए भला। अरे क्या हुआ, साफ साफ तो बताओ। अजी ये विधर्मी के हाथ हुआ खाना है, समझे? इसे खाकर क्या जात पात छोड़ना चाहते हैं? क्या मतलब? मतलब अरे मतलब पूछती हो क्यों, जानती नहीं भोगेश्वर वाइन की लड़की? हाँ हाँ, क्या हुआ भोगेश्वर की लड़की? अरे रहमत के गांव का जो मजदूर है ना, वो उसे भगा कर ले गया था। छी 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 छी, अब तक इस बात का ख्याल हमें नहीं आया। चलो चलो आप सब लोग उठो, इतनी बाढ़ में पीड़ित होकर भी हम नहीं मरे, अब तक जी रहे हैं। अब विधर्मी के हाथों का अन्न खाकर अपनी जाति का विनाश नहीं कर सकते। आ, नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं खाएंगे हम ये खाना। अरे तो फिर सोचते क्या हो, चलो उठो सब लोग, चलो। विधर्मी के हाथों खाना नहीं खाएंगे। देवेन, देवेन, अरे रतन, बसीर, रहमत, अरे कहाँ हो भाई? यहाँ तो कोई नहीं। रतन, देवेन। मुखिया जी, क्या हुआ मुखिया जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है मुखिया जी? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उधर लंका कांड हो रहा है, उसकी भी खबर है किसी को? क्या लंका कांड, क्या कह रहे हैं आप मुखिया जी? अरे शिविर में लोगों के बीच खाना बांटने के काम में मैना बेटी को लगाया था ना। हाँ, हाँ, क्या हुआ मैना को? अरे तुम्हारे गांव के मैदुल ने मैना से। हाँ, हाँ, फिर उसे क्या हुआ? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, मगर उसके खाना बांटने के कारण ही सारी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? ये सब निरंजन गोसाई और कमला गायन के कारण हुआ है, समझे? दोनों ही हमारे आदमियों को बहकाने में लगे हुए थे कि ये विधर्मी के हाथों का खाना है। किसी ने भी खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि छुआ भी नहीं। क्या? अरे इतनी कोशिशों के बाद हमने इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया और इन पाखंडियों ने हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। देख लेंगे कैसे बाधा डालेंगे। जब लोग बाढ़ में फंस गए थे तो हमने ही आश्रय शिविर का आयोजन किया था,
तब क्या इन दोनों की आंखें नहीं थी? चल चल देवेन, हाँ। बशीर तू भी चल, हाँ। चल चल कर देखते हैं, हाँ। रहमत भैया तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ चलो बशीर, चलो चलो। सुनिए, अरे सुनिए भी आप लोग, अरे हौसला तो रखिए। अरे धैर्य छूट रहा है हमारा, हमारी जात को सब नष्ट कर दिया इन लोगों ने, अब भी कहते धैर्य रखो। सुनिए सुनिए, आप लोग यहाँ अपने जाति धर्म की रक्षा करने आए हैं या अपनी जान बचाने? अपनी जान से अपनी जात कुल ज्यादा प्यारा है आप लोगों को? बोलिए बोलिए। आप लोग बाढ़ ग्रस्त होकर आज बेघर हो गए हैं, किसी का पुत्र, किसी की बीवी, धन संपत्ति, गाय बैल भैंस सबने आपका साथ छोड़ दिया है, यहां तक कि खेतों की फसल, भंडार का गेहूं नष्ट हो गया है। आप लोग चारों तरफ से लुट गए हैं। हम सब के लिए ये बहुत दुख की बात है कि भोगाली बिहू का त्योहार इस तरह मनाना पड़ रहा है। इस अवसर पर मुट्ठी भर खाना भी नहीं मिल रहा है। इसे बनाने के लिए किसके पास आज सामर्थ है बोलिए? जाति धर्म की रक्षा करने निकले हैं आप लोग? कपातली गांव में ऐसी घटना पहले कभी घटी है बताइए? बाढ़ के पानी में बहते समय आप लोगों में से किसी को अपनी जाति कुल की बातें याद नहीं आई? किसी को धर्म याद नहीं आया? अरे आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर आप लोगों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, विश्व वृक्ष रोपण करना चाहते हैं और उससे लाभ उठाना चाहते हैं। छी छी छी, बड़े शर्म की बात है कि इन महाप्रलय के दिनों में भी आप लोग इस तरह की बातें सोच सके। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ एक घर, एक परिवार की भांति रह रहे हैं। आज यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब लोग मनुष्य हैं मनुष्य। आज से यहाँ सिर्फ एक ही धर्म चलेगा, मानव धर्म। इसमें सभी लोग बराबर होंगे, आपसी भेदभाव छुआछूत का कोई स्थान नहीं होगा। आप लोग तो जानते हैं कि मुसीबत के समय सांप मेंढक बाघ बकरा सभी एक साथ रहते हैं, कोई किसी पर अन्याय नहीं करता। आज हमारी हालत भी वैसी ही हो रही है। जाति पाति का भेदभाव हमारे समाज में ना कभी था और ना ही कभी मैं होने दूंगा। भाइयों, कुछ शरारती लोगों के बहकाने पर क्या आप अपनी महान संस्कृति को भूल जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा मत होने दीजिए। आप लोग इनको पहचानिए, ये हमारे समाज के लिए कीड़े मकौड़े जैसे हैं, समय आने पर इन्हें उचित दंड मिलेगा। वही निरंजन गोसाई और उस कमला गायन के कारण ही ये सब हुआ है। छी छी छी, व्यर्थी में इतना समय गवा दिया हम लोग। अरे हाँ, हम भी कितने मूर्ख हैं जो इनके बहकावे में आ गए। आइए हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएं। अपनी अपनी बुरी भावनाओं को त्याग कर ऐसी विपत्ति के समय में थोड़ा हंस लें। आइए, अरे आइए ना, देरी ना करें। जो कुछ हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। भाई देवेन जी, मुखिया जी, निरंजन गोसाई और कमला गायन को भी खाने पे बुलाओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मुखिया जी, गायन और गोसाई प्रभु दोनों तो चुपके से चले गए। अरे मैना, हाँ बेटी, आ चल खाना ले आ, सबके लिए खाना ले आ। अभी लाई ताऊ जी। बेटी, वो तेरा आदमी कहाँ है, दिखाई नहीं दिया? ठहरिए, अभी बुला देती हूँ। अरे सुन रहे हो, जरा इधर तो आओ, ताऊ जी तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा,
मैं अभी आ रहा हूँ। ताऊ जी यही है वो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटे इधर बैठो जी। जब तू 3 बरस का था तब देखा था तुझे, तेरे बाबा तो मेरे जिगरी दोस्त थे। हाँ मगर क्या करें, सब ईश्वर की लीला है, भला मनुष्य ईश्वर के साथ लड़ सकता है? अरे क्या बताऊं, उसके मर जाने के बाद। ताऊ जी मैं तो बचपन में ही मामा के घर चला गया था, वहां मेरा पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई हुई है। अच्छा कहाँ तक पढ़े हो बचवा? जी मैंने बीए पास कर लिया है और अब अपने ही गांव के एक स्कूल में अध्यापक हूँ। अरे बहुत अच्छा किया बेटे तूने, बहुत अच्छा किया जी। तू तो जानता है मैदुल, गांव के लोग कितने भोले होते हैं। हाँ वो तो है। इन लोगों के बीच में हमारे महापुरुषों का आदर्श और मित्रता की भावना को फिर से जगाना है जी। ऊंच नीच का भेद, छुआछूत और जात पात के विचारों को त्यागना है जी जी। तभी हमारे बीच सुख शांति हो सकती है। जी हाँ ठीक कह रहे हैं आप। चलिए ताऊ जी, सभी लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो चलो जी। भाइयों आप सब लोगों को यहाँ एक साथ बैठे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी इच्छा है कि ये आश्रय शिविर हम सब के लिए एक मिलन तीर्थ हो, पुण्य भूमि हो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अरे अरे भोजन ठंडा हो रहा है, आप लोग प्रेम से खाना शुरू करें ना। शुरू कीजिए शुरू कीजिए। हाँ जी हाँ जी। अरे रहमान जी चाचा मेरा खोल तो ले आ जरा, कहाँ रख दिया है? अभी लाता हूँ। लीजिए वाइन चाचा। ले आया पकड़ो। ला वाइन चाचा, आज हमारे दुख में भी आनंद है। बजाओ बजाओ अपने खोल को। अच्छा वही स्वर अच्छा। बजाना जो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण करते समय आपने बजाया था। अच्छा अच्छा हाँ। वही स्वर जो शिशुपाल द्वारा उनका पीछा करते समय आपने बजाया था। ठीक है रे। वही स्वर वही स्वर गुंजित होने दीजिए वाहन चाचा, वही स्वर गुंजित होने दीजिए। अच्छा ये लो बजाओ बजाओ बजाओ। अच्छा अच्छा ठीक है लो, तुम सबकी खुशी के लिए बजाता हूँ। आधी रात का गीत। अभी आप श्री द्विजेंद्रनाथ शर्मा के असमिया नाटक दुमुहा रातिर गान का यह हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री हिरेन चंद्रनाथ ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अशोक मलकानी, कमल साथी, मंगत राम, गोविंद स्वरूप वाजपेयी, योगेश कुमार जैन, बाकर मुश्तबा, जीत कौशिक, पूर्णचंद्र जोशी, कृष्णकांत टंडन, राधा कृष्ण दत्त, आरसी पांडे, देव प्रकाश, एचसी पांडे, नीता श्रीवास्तव, सरला मेहता और सरला टंडन। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।